देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दे आज इलेक्शंस हो रहे ने ते असी इस वक्त चंडीगढ़ दा जिहड़ा एमसी इलेक्शंस वास्ते पोलिंग हो रही है वो दिखा रहे ने तुहानू कि चंडीगढ़ एमसी इलेक्शंस दे विच 35 वार्ड जिहड़े ने उहनां दे वास्ते पोलिंग जिहड़ी अज चली है ते पिछली बारी 26 वार्ड सीगे ते उह वधा के हुण 35 कर दित्ते गए ने ते पोलिंग जिहड़ी है हुण हौली हौली जिहड़ी है उह वध रही है। मॉर्निंग आवर्स दे विच हालांकि वोटर टर्न आउट जिहड़ा सीगा उह घट सी बट हुण हौली हौली वोटर टर्न आउट जिहड़ा है उह वध रिहा ते फिलहाल ट्राइंगुलर कंटेस्ट जिहड़ा है एमसी इलेक्शंस दे विच देखण नूं मिल रिहा चंडीगढ़ एमसी इलेक्शंस दे विच जिस दे विच मेन कंटेस्ट बीजेपी कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी इन्हां तिन्नां दे विच देखण नूं मिल रिहा। हालांकि ट्रेडिशनली चंडीगढ़ दे विच बीजेपी अते कांग्रेस दे विच बाइपोलर कंटेस्ट हुंदा सी बट इतकी आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर इन्हां इलेक्शंस दे विच लगाया सी ते आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर अते दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल उन्हां वल्लों भी एक जनसभा जिहड़ी है चंडीगढ़ विच कीती गई सी एमसी इलेक्शंस दे लई ते फिलहाल ट्रायंगुलर कंटेस्ट जिहड़ा है वो इत्थे देखण नूं मिल रहा है। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा बीजेपी दे नाल अलायंस दे विच इलेक्शन लड़दा सी वो इस बारी क्योंकि बीजेपी दा अकाली दल दे नाल अलायंस जिहड़ा है टुट गया ते हुण अकाली दल बहुजन समाज पार्टी दे नाल जिहड़ा है वो एमसी इलेक्शन जिहड़ा चंडीगढ़ दे लड़ रहा। मौजूदा जिहड़ा हाउस है जिहड़ा आउटगोइंग हाउस है उस दे विच 26 काउंसलर्स विचों 20 काउंसलर जिहड़े ने वो बीजेपी दे सी बीजेपी रूल्ड ये म्यूनसिपल कारपोरेशन सी ते 6,30,000 के करीब वोटर जिहड़े ने इत्थे एम सी दे विच चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन दे विच ने ते फिलहाल वोटिंग जिहड़ी है वो हौली हौली वो अपना जिहड़ी है वो स्पीड पकड़ रही है। वोटर जिहड़े ने नंबर ऑफ वोटर्स लगातार वध रहे ने मॉर्निंग आवर्स दे विच वोटिंग जिहड़ी है वो घट हो रही सी बट हुण स्पीड अप हो रहा वोटर टर्न आउट जिहड़ा है वध रहा। फिलहाल ट्रायंगुलर कंटेस्ट जिहड़ा है वो चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन इलेक्शन दे विच देखण नूं मिलिया ते वोटर्स दे नाल असीं गल कीती है ते लोकल इशूज खासकर जिहड़ा चंडीगढ़ दी जिहड़ी रैंकिंग है डाउन हुई है जिहड़ी स्वच्छ सर्वेक्षण दे विच वो एक बहुत वड्डा इशू है सफाई दा क्लीनलीनैस दा इशू बहुत वड्डा है। बाकी जिहड़ा बिजली पानी दे रेट ने उन्हां नूं लेकर भी लोकी जिहड़े ने वह कंसर्न ने कि वह वध रहे ने। बाकी ओवरऑल लोकी कहिंदे ने कि जिहड़ा चंडीगढ़ है वह उसनों दोबारा जिहड़ा 8 to 10 साल पहले जिहड़ा चंडीगढ़ सीगा वह चंडीगढ़ बनाना है क्योंकि सफाई का बहुत बड़ा इशू जिहड़ा वो लोकी मेजोरिटी ऑफ जिहड़े लोकी ने वह दस रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के नाल सचिन कुमार एबीपी सांझा चंडीगढ़। चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन वास्ते अब वोटा पै रही तो असं वार्ड नंबर 17 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं तो तुम दिखाते हैं कि वोटर टर्न आउट हूँ हौली हौली बढ़ रहा। सवेरे जोड़ा है घट वोटर्स देखने मिल रहे थे पोलिंग स्टेशन तो बहर बट हूँ नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ रहे तो कोविड प्रोटोकॉल भी तुम दिखाते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल किदा फॉलो किया जा रहा है। एमसी इलेक्शन के सर्कल्स जोड़े ने बनाए गए हैं उन्होंने बिच ही जोड़ा है वह वोटर जोड़ा है वह खड़े हो रहे हैं जोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जी है वह मेनटेन की जा रही है। कुछ वोटर्स असं जरूर गल करा कि वह की समझते हैं तो की इशूज ने की ना तो ज्योति वोट करने आए हैं क्या इश्यूज हैं बैक ऑफ माइंड जिन इश्यूज को लेकर आप आज एमसी इलेक्शन में वोट करेंगे? देखो हमारे चंडीगढ़ में भी वैसे तो ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं पर देश में भी बहुत इशू है। हम भी सोच रहे हैं अब किसी नए हर बार हर एक को अलग अलग हम बंदे को वोट दे रहे हैं देखते हैं इस बार जिसको देते हैं वो क्या करते हैं। बहुत इशू है सड़कों का इशू है रोड का इशू है कूड़े का इशू है बहुत इशू है। तो आप जो क्लीनलीनेस है जो सफाई की व्यवस्था है उससे सेटिस्फाइड नहीं है अभी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी देखो आप जो किसी को देते हैं वो बनता है और क्या करता है। एक जो इशू है चंडीगढ़ की रैंकिंग जो है वो भी काफी डाउन आई है स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसमें वो भी एक इशू जो है सफाई के साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अब तो पहले से ज्यादा गंदगी हो गई है। अब जिस जो पार्टी पहले थी उसका तो कुछ भी नहीं बना यहाँ पर अब देखो क्या होता है आगे।
इसके अलावा जो बाकी इश्यूज हैं, बिजली सप्लाई, पानी और सड़कों की व्यवस्था जो है उसको लेकर क्या? बिजली के रेट पहले से बढ़ गए हैं, पानी के पहले से बढ़ गए हैं, सब कुछ ही बढ़ता जा रहा है। अब देखो अब क्या होगा आगे। और सड़कों की व्यवस्था, सड़कें भी पहले से टूटी हुई है, ना ही कोई रोड बन रही है प्रॉपर, ना ही कुछ है, खड्डे जगह जगह पे हो रखे हैं। तो आपको लगता है चंडीगढ़ जो है जो पहले जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले ज्यादा बेटर था। जी, वोटर सी के वोटर कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पहले वर्गा नहीं है, तो उसमें पहले वर्गा बनाने वास्ते वोट कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जसवीर कौर। की इश्यूज ने तुहाडे दिमाग दे विच जिन्होंने लेके आज वोट कर रहे हैं? असीं कह रहे हैं जिन्हों वोट पा रहे हैं भी अगे वास्ते कुछ सुधार करेंगे, बच्चों का कुछ देखेंगे, जा कोई साडा बुजुर्गों का साडे वर्गों का कुछ देखेंगे, गलियां रोड वगैरह सड़क वधिया बनणगियां, जो टैक्स लग रहे हैं उन्होंने घटाउणगे, असि इस करके वोट पा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ? ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੇਟ? ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਆਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਦਾ ਤਾ, ਅਬ ਦੋ ਟਾਈਮ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਬ ਰਹਿਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇਖ ਲੋ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਅੰਜੂ। ਆਪ ਵੋਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ? देखो मेन तो क्लीनलीनेस ही है ना, जैसे चंडीगढ़ जो क्लीननेस सिटी थी यहाँ पर, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब वो चीज़ नहीं है। हम लोग यहीं पले बढ़े, यहीं पर ही पैदा हुए हैं ना, तो हमने चीज़ें देखी हैं पहले भी और अब भी, अब वो चीज़ नहीं है, उन चीज़ें बहुत फर्क है। और दूसरा है पोल्यूशन, जब हम पहले मतलब यहाँ पर थे तो वो पोल्यूशन का लेवल नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो दिल्ली में इधर कोई फर्क ही नहीं लगता है, तो पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, ये चीज़ें भी बहुत हो रही हैं चंडीगढ़ में जो पहले नहीं थी। यही है मेन इश्यूज हमारे। तो इसके अलावा जो मुद्दे हैं बिजली पानी, उसको लेकर क्या कहना? हाँ, बिजली पानी का भी ऐसा है कि जो पानी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब खासकर मई जून में एक टाइम ऐसा आता है कि जो नीचे वाले उनको तो मिल जाता है पानी, लेकिन जो टॉप फ्लोर वाले उनको पानी नहीं मिलता है। 23 में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, चलो वहाँ फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट कोठियां वहाँ पे टॉप फ्लोर वालों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो पानी के प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, है ना। बिजली की कोई इतनी ज्यादा वैसे चंडीगढ़ में है नहीं है प्रॉब्लम, जितना हम और शहरों में सुनते हैं। बस मेन तो मुझे यही क्लीनलीनेस और पोल्यूशन, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा चाहिए हमें चंडीगढ़। बहुत बढ़िया, जरा इशू इन्होंने रेज किया पोल्यूशन का, मैडम ने उन्होंने गल करी। क्या नाम है आपका? सरोज। क्योंकि वोट करने आए हैं, इशू क्या है, मुद्दे क्या है दिमाग में जिनको लेकर? उन्होंने बोला पानी का यही है, पानी बिजली महंगी है और यही परेशानी है कि टॉप फ्लोर पे पानी नहीं चढ़ता, प्रेशर कम होता है। और साफ सफाई की व्यवस्था से आप? साफ सफाई की हम ये हमारे पीछे ग्राउंड है, वो कभी साफ होता ही नहीं है, इतना बुरा हाल है कि बस धूप में बैठ भी नहीं सकते कुर्सी पे आके। हाँ जी, कभी कोई देखता ही नहीं आके कि चलो कोई झाड़ू मार दे या कोई सफाई कर दे, कुछ नहीं। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें भी चंडीगढ़ का भी परेशानी है, आप तो बार बार कहते हैं सारे ग्राउंड बन गए ये भी बना दो, कोई नहीं सुनता। कह रहे ने कोई नहीं सुनता, इन्हों का जो ग्राउंड है उसे गंदगी है। क्या नाम है मैडम? दर्शना। दर्शना जी, वोट करने आए हैं, मुद्दे क्या हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर आप वोट करें? साफ सफाई और हमारे जो पास में मेंटेनेंस है, पास में पार्क है, उसके साफ सफाई। ठीक है। हाँ जी, और एक दोपहर को पानी इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। तो हम सुबह का काम नहीं बैठते हैं तो कपड़े नहीं धो पाते, रोटी पानी का ही नहीं बढ़ता इतना, बस यही है। पानी की सप्लाई का इशू जरा है, जी कटेल की है 3 टाइम तो कटा के 2 टाइम पानी की सप्लाई, वो बहुत बड़ा इशू जरा है लोगों के दिमाग में। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, वोट करने जा रहे हैं आप? पहले तो ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोट तो नहीं कर रहे हैं? यस, फर्स्ट टाइम।
कितनी एज है आपकी? 23। इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोट रहे हैं आप, तो क्या इश्यूज हैं आपके दिमाग में इस वक्त जिनको लेकर वोट करने जा रहे हैं? सर एक तो साफ सफाई का इशू है और थोड़ी साफ सफाई का, इसके अलावा जो बिजली पानी की जैसे इश्यूज हैं वो भी आपके दिमाग में कहीं हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप स्टूडेंट हैं, क्या कहते हैं? स्टूडेंट हूँ। कहाँ स्टूडेंट है? बीए। फर्स्ट टाइम वोटर सीगे जिहड़े जिन्हां दे दिमाग दे विच मेनली मेन इशू जिहड़ा बन के आया ओ सफाई व्यवस्था जिहड़ी है ओ उभर के आ रहा कि चंडीगढ़ नूं जिहड़ा कहिंदे ने वोटर्स कह रहे कि असीं जिहड़ा पुराना चंडीगढ़ सी ओ ज्यादा साफ सी ते ज्यादा ब्यूटीफुल सी ते हुण सफाई व्यवस्था जिहड़ी है ओ पहले वर्गी नहीं रही है। 17 नंबर वार्ड दा एक पोलिंग स्टेशन है जिथे आपां वोटर्स दे नाल गल कर रहे ने, उन्हां दे दिमाग दे विच की चलिया वोट करन तो पहले वो पुछण दी कोशिश कर रहे ने। जिहड़ा बिजली पानी दे सप्लाई ते उस दे रेट सड़कां दी समस्या वो सारे जिहड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे इशूज ने उही लोकां दे दिमाग दे विच जिहड़े ने वो चले ने ते उन्हां नूं लैके ही लोकी वोट करन जा रहे ने एमसी इलेक्शंस दे विच। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह दे नाल सचिन कुमार एपीपी सांझा चंडीगढ़। चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के अज इलेक्शन ने वोटा पै रही, असी वार्ड नंबर 17 का जो पोलिंग स्टेशन है उत्थे खड़े ने, बुजुर्ग महिला जिहड़े ने वो वोट पा के आ रहे ने, उन्होंने गल करेंगे। माता जी सत श्री अकाल, की नाम तुहाडा? लाजवंती। किन्नी उम्र है तुहाडी? 80 साल ते उपर आ। अच्छा, 93 साल। वोट पा के आए हो? वोट पा के आई। केड़े मुद्दियां ते वोट पाई है तुसी चंडीगढ़ दे विच, की सोच के वोट पाई है? मत पेगी नहीं, क्यों? कोई साफ सफाई दा कोई दिमाग च रहंदा है कुछ इदां दीयां चीजां तुसी? मंगा ही पता, ओ कहंदे असी अपनी वोट पाउनी है, असी अपनी वोट रखनी नहीं हैगी, असी अपनी जो है। किन्ने किन्ने सालों तो तुसी चंडीगढ़ इत्थे वोटां पा रहे हो कारपोरेशन च? सारी उम्र हो गई चंडीगढ़ दे अंदर। अच्छा, वोट पा रहे ते जिहड़ा काम काज हुण चंडीगढ़ च चलिया है जिदा साफ सफाई दा सड़कां दा, ओ तुहानू पहले दे मुकाबले ठीक लगदा? हां ठीक है, ठीक है, बहुत सोहणी साफ सुथरा चंडीगढ़। सारी उम्र हो गया सानू रहिंदे नूरी के बछिंदे। चंडीगढ़ बेहतर है हर मामले दे विच बाकी उसके मुकाबले, हालांकि वोटर्स दे नाल असीं लगातार गल कर रहे ने तो कह रहे ने साफ सफाई जिहड़ी है वो बहुत बड़ा इशू जिहड़ा है वो इन्हां इलेक्शन दे विच रहण वाला है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह दे नाल सचिन कुमार वी पसंदा चंडीगढ़। What's your name sir? नाम क्या है आपका जी? My name is Colonel PC Sharma। Okay, तो क्या issues हैं जिनको लेकर आप वोट किए? Issues are very many। Okay, I can't describe in one sentence। But the point is that the councillors they come whenever the voting takes place they come and do, but nothing happens, like there are ditches on the roads। Okay। No effort is made to fill up those potholes, and as far as other things are concerned, there are quite a few things can't describe in one sentence here. Cleanliness koi issue hai? Haan ji, cleanliness is issue, hygiene sanitation is issue, or मैंने आपको बता दिया रोड्स इशू हैं, अगर कोई पाइपलाइन रोड के बीच में से निकालता है तो उसके ऊपर वो मिट्टी डाल देते हैं, उसको पक्का करने की कोई कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, इनको अप्रोच करो, जो रोड वाले जो हैं बनाने वाले उनके पास जाओ, आपने जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लिए, पैसे जमा कराए हैं, ऑल दोस बकवास, द
अभी क्या मैं आपको बताऊं, हाउ मेनी इश्यूज, प्लेंटी ऑफ इश्यूज, यू नो. सो यू नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लीनलीनेस? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लीनलीनेस. जो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड उन्होंने बना रखा है, इफ यू पास दैट इज इन द पार्क इटसेल्फ, एंड इफ यू गो पास बाय दैट पार्क इट स्टिंक्स लाइक हेल. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन दे इलेक्शंस हो रहे, वोटां पै रही, अज असी वार्ड नंबर 23 दे पोलिंग स्टेशन तो बाहर खड़े ने, वोटर्स आ रहे ने, वोटर्स दा असी मन जानने की कोशिश कर रहे ने, किना इश्यूज ते वोट कर रहे ने. सत श्री अकाल, की नाम तुहाडा जी? रेखा, रेखा दुबे. रेखा दुबे, हाँ जी. रेखा जी, वोट करके आ रहे हो, की इश्यूज सीगे जिन्हां ते वोट कीते आ? सर, इश्यू तो बहुत सारे हैं, पर असी तो यही चाहुंदे हैं कि कोई भी सरकार आए, अच्छा सोचे, अच्छा करे, सेक्टर से बारे, दूसरे चंडीगढ़ बारे सारे. जो मैं इन्ने साल से वोटा पा रही हूं, मैनू हो गए लगभग 18-20 साल हो गए, पर कोई सरकार इस तरह की नहीं आई कि किराए बारे, मतलब किराएदार बारे उन्होंने सोचे, जो जेडे किराएदार रह रहे उन्होंने बारे की सोचती सरकार? इन्नी आई इन्नी गई, असी जे किराएदार रह रहे हैं उनको कोई मकान नहीं मिलते, जिदे जिन्होंने चार चार मकान ऑलरेडी बने हैं उनको अलाटमेंट कर दिया जाता है मकान के लिए कि आपको आप भर सकते हो. क्यों जी, किराएदारों के बारे में भी तो कुछ सोचो. असी वोट कर दें कि अच्छी सरकार आए भी कुछ सोचे, फिर भी चलो अपना फर्ज, असी मेरा ये हक है वोटिंग करना, तो असी करी जा रहे हैं. पर मैनू तो अज तक कोई ऐसी सरकार नहीं मिली जो सोच दी कि भी सारे बारे में सोच रहे हो, तुसी किराएदारों बारे में सोचो. उन्होंने तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है? सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं. आज जो जेंट्स हैं वो तो सारा दिन बाहर रहते हैं, जिन्ना टेंशन है, जिन्नी ज्यादा परेशानी है वो एक लेडी को है. वो अपना घर कैसे संभाल रही है, उसको सारी जवाब देना पड़ता है भी इतना पैसा कितने लगाया, ये पैसा कितने लगाया, सब चीज गवर्नमेंट ने सारी महंगी कर रखी है पूरी टोटल. तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बस हाथ जोड़ के विनती यही है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी मतलब सरकार आए, वो सोचे कि ना कि अपने ही पेट नहीं भरना है उन्होंने. और वोटर्स ने उन्हां नाल गल करन दी कोशिश करदे ने. असीं, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार. प्रदीप जी, वोट देने जा रहे हैं अभी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो यही है जी, महंगाई, पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है और महंगाई बहुत है, सब्जियां और फल फ्रूट ये सब. अच्छा, ठीक है. तो इसके अलावा जो लोकल मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ के, साफ सफाई, सड़कें, बिजली, पानी, हाल बहुत बुरा है जी. सड़कें सब टूटी फूटी, पानी की भी पहले कह रहे थे कि दिन को पानी आ जाएगा, तो दिन को पानी नहीं आता. सिलेंडर पे भी इन्होंने पहले सब्सिडी दी, अब सब्सिडी वो भी खत्म कर दी. तो कई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम्स, बहुत सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा. तो साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, आप खुश हैं साफ सफाई से? नहीं नहीं नहीं, हर जगह बुरा हाल है जी. हर जगह जहाँ जिस मरीज सड़क पे देख लो, कहने को स्वच्छ भारत है लेकिन कुछ भी नहीं है. जगह जगह कूड़ा पड़ा है, कागज पड़े हैं, कचरा पड़ा है, ढेर लगे हैं पत्तों के. स्वच्छ सर्वेक्षण में भी चंडीगढ़ काफी पीछे है. पीछे इसलिए पीछे हो गया जी, बहुत वार्ड बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि हर एक अपने पार्षद जो है वो अपने वार्ड का ख्याल रखेगा. दो दो तीन तीन सेक्टर है उनका भी ख्याल नहीं रख सकते. पांच पांच छह छह साल मिलते हैं इनको, फिर भी कुछ कोई फंड नहीं अपना यूज करते, कोई अपनी पावर यूज नहीं करते. जब वोटों का टाइम आता है जो बाहर निकलाते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो. तो ये तो बहुत ही गलत सिस्टम है. ये वार्ड बनाने का क्या फायदा हुआ? एक एक चीज जगह दे दी थी, इनको आप संभाल के रखो, इसकी केयर करो, है ही नहीं कोई कुछ कह रहे हैं. ते वोटा पाउण वास्ते लोकी आ रहे ने, असीं गल कर रहे हैं जरूर. सर, क्या नाम है आपका? सर कविंदर. सर कविंदर जी, वोट करने जा रहे हैं एमसी इलेक्शन में, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को आप मेन मानते हैं? थोड़ा देर कोई बात गल नहीं करना चाहते सीगे हालांकि, बट आज तुसी देख सकते हो कि लाइन जड़ी है वोटर्स दी, हुण वोटर टर्नआउट जड़ा है वो वध रहा है. सवेरे जड़ा है मॉर्निंग आवर्स दे विच वोटर जड़ा है वो घट निकल रहे सी, बट हुण वोटर्स जड़े ने वो निकल रहे ने. वोटर्स दे नाल कुछ गल करन दी जरूर कोशिश करांगे असीं कि किना मुद्दियां ते वो वोट करन दी जा रहे ने. सत श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा जी? डॉक्टर जसप्रीत. जसप्रीत जी, वोट करन जा रहे हो, मुद्दे की ने दिमाग च? बेसिकली क्लीनलीनेस जिहड़ी अजकल इत्थे बहुत ध्यान नहीं दे रहे, सड़कां बहुत खराब होईयां पईयां सीगियां, रीकारपेटिंग नहीं हुई सी. सो
नवे जेडे आए ने आप वाले कह रहे थे प्रॉमिस कर रहे थे कि विल बी लुकिंग इनटू ऑल दीस मैटर्स। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦਿਲਜੋਤ। ਦਿਲਜੋਤ ਜੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ? ਹਾਂ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਬੈਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫਾਰ ਇਟ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਮ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਵੋਟ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਥੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੇਨ। ਓਕੇ, ਕੰਪਲੇਨਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਵਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਦ ਫੋਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬਰੌਟ ਮਾਈ ਫੋਨ, ਨਾਓ ਦੇ ਸੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬਰੌਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਇਟ, so they should now my car is far off, I am a senior citizen. So how will I they say go home back bring the car? So I am not going to come back. Okay, so you are not going to vote now? No, of course, how can I? It's very difficult, so walk down to that. But otherwise as a citizen, Chandigarh ke citizen hone ke nate aapko kya lagta hai mudde kya hai in election mein? Mostly, I should say, cleanliness and especially that at a garbage dump at Dadumajra. Okay. It smells a lot. Okay. And it's not that any candidate can say that they will do it. That's not, everybody will say I will do it. But how they will do it? Where they are going to dump that? They should have some solid plan for it. Only that candidate is entitled to win. आपको लगता है मतलब डड्डू माजरा का जो डंप है उसको प्रॉपर प्लान होना चाहिए उसको हटाने के लिए? बिल्कुल सही, दैट्स राइट। तो क्लीनलीनेस जिहड़ी है वो मेन इशू जिहड़ा है वो बन के आ रहा है इस सारे एनसी इलेक्शन दे विच। मेजोरिटी लोकी कह रहे ने कि क्लीनलीनेस साफ सफाई जिहड़ा है वो मेन इशू है, इस तों अलावा बिजली पानी दे जिहड़े रेट ने वो इशू जिहड़ा है इस तों अलावा है। एनसी इलेक्शंस ने 35 ਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, 26 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।